मध्यप्राच्यरे युद्धर आशंका जतेबेले स्थिति अणायत हेबारे लागिछि एहा सारा विश्व उपर बड़ प्रभाव पकाइबो ये आकलन प्रकाश पाउछि। किंतु एटी गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि कि जदि ईरान एवं इजराइल मुहांमुही हुवंती ताहाले स्थिति बिगड़िबो एवं जतेबेले इजराइल सपक्षरे अमेरिका ब्रिटेन बाहरुछंती तेबे अमेरिका केवळ भाबरे युद्ध जहाज जे कि जलपथरे पैतरा मारुछंती एवं पूरापूरी घटना उपरे नजर रखिछंती बे कहा सपक्षरे किए रहउछंती सामरिक शक्ति कहार केते रहउछि से गुरुत्वपूर्ण तथ्य मध्ये आमे आपणक सामना रखुछु। आपण देखंतु कि इजराइल एवं ईरान जेतेबेले सामरिक शक्ति कथा आलोचना करा जाउछि तेबे सैन्य बड़ 6,34,000 होउछि इजराइल सपक्षरे अनेपटे ईरान सपक्षरे 11,80,000 सैन्य बल रहउछि अर्थात सैन्य बलरे ईरान आगरे रहउछि। इजराइल विमान रोची 612 एवं ईरान रो विमान रोची 551 ये होची विमान तथ्य। युद्ध विमान कथा जदि आलोचना करिबा इजराइल 350 युद्ध विमान होतबा बळे ईरान रो 320 युद्ध विमान होची। लढुआ हेलिकॉप्टर 146 टी रोची इजराइल ईरान रो रोची 138 लढुआ हेलिकॉप्टर अने बने इजराइल ट्यांक रोचे 1370 एवं ईरान ट्यांक रोचे 1996 ट्यांक ईरान ता पाखरे रखुचे एवं मोबाइल रॉकेट लॉन्चर जदि आलोचना करिबा 150 रोचे इजराइल पाखरे एवं अने पटे 775 रोचे ईरान पाखरे एवं ये सब आलोचना आमे आलोचना करुचे एवं आम सहित नीरोज राजपूत मध्ये जुड़ी रहती। तो फिर राजपूत जी आपसे जानना चाहेंगे अभी लेवानन छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है क्यों छोड़ना चाहते हैं लेवानन क्यों एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए ये एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है क्योंकि इसराइल ने जो लेबनान में हिजबुल्ला का सबसे बड़ा मिलिट्री कमांडर है उसको मार गिराया है उसको अटैक में मार गिराया है बेरूत में कैपिटल में मारा है। इसके साथ साथ जो ईरान का एक मिलिट्री एडवाइजर भी इस वक्त उस बिल्डिंग में मौजूद था जहां पर हिजबुल्ला के कमांडर को मारा गया तो ये दो बड़े जो कमांडर्स हैं इनकी मौत हुई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि हिजबुल्ला जो लेबनान से ही ऑपरेट करता है मेनली वहीं से ऑपरेट करता है लेबनान कंट्री से जो इसराइल से सटी हुई कंट्री है वहां से ही ऑपरेट करता है तो ये अटैक करेगा जैसे ही ईरान भी अगर करता है ईरान ने जैसे 13 अप्रैल को करने की कोशिश की थी एयर अटैक इसी तरह से अगर ईरान करता है और हुती भी एक साथ करते हैं तो ये लेबनान से जो हिजबुल्ला जो टेररिस्ट ग्रुप है ये भी अटैक करेगा। ये अधिकतर रॉकेट से और ड्रोन्स के जरिए जो है अटैक करते हैं ऐसे में इस बात का पूरी शंका है और चिंता भी है कि इसराइल जो है रिटेलिएट करेगा और रिटेलिएट ऐसे करता है इसराइल की इतनी बुरी तरीके से करता है कि दुश्मन को उठने का मौका नहीं देता। ऐसे में अगर हिजबुल्ला ने अगर अटैक्स किए इसराइल के ऊपर तो इसराइल जो है बहुत बड़े अटैक्स करेगा मिसाइल के जरिए ड्रोन्स के जरिए लेबनान में। ऐसे में जो वहां पर जो हिजबुल्ला के जो कैंप्स हैं या उनके जो ठिकाने हैं वो तो बर्बाद होंगी कि ऐसे में इस बात की आशंका बनी रहती है कि कहीं सिविलियन एरियाज ये सिविलियंस उसकी चपेट में ना आ जाए एस्केलेट ना हो जाए। इसीलिए भारत ने जो है एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों को कि वो लेबनान छोड़ दें पहली फ्लाइट लेकर वो वहां से निकल जाए और सुरक्षित देश पहुंच जाए भारत आ जाए किसी दूसरे देश में चले जाए लेबनान में ना रुके। तो जैसे कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि अमेरिका कह चुका है कि ये कंट्रीज जो है ईरान है या फिर जो उनके समर्थित टेररिस्ट ग्रुप है ये अटैक कर सकते हैं इसराइल के ऊपर और इसराइल पर रिटेलिएट करेगा ही करेगा ये आप मान कर चलिए। ओके बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत जी आप हमसे जुड़े रहे। डीपी पाणी मध्ये आम सहित जोड़ी हो रही तेरे ये सब भितर मध्यप्राच्य युद्धर आशंका केमी बढ़ुच्छे सुक्त पाड़ी आम सहित जोड़ सुक्त पाड़ी आप देखते जो आप आलोचना करते गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहते कि इजराइल तार बॉर्डर जो आयरन डोम रखी 100% इफेक्टिव नुह कहीं जदि मिजाइल आटाक ये सब डोम नष्ट ए बाबद कौन इजराइल पाखे सूचना ना ता सत्य मत इजराइल के भाव में आयरन डोम रखुच्छ बॉर्डर आज्ञा आयरन डोम हूँ गोटे स्पेसिफिक जिनस जोटा कि इज्राइल पाखे अच्छी सब जिनस आम मैंने जितेबाला युद्ध को वॉर गेम्स खेलु से आम गोटे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आमर गोटे अच्छी जेकोसी जिनस के 100% हेनी तार गोटे प्रोबेबिलिटी अच्छी गोटे पोलारीटी अफ इफेक्टिवनेस थाए आदि गोटे मास लॉन्च है लेबानन रु रॉकेट्स
गोटे कंटिन्यूस ब्रॉड साइड फायर आम जो जमी नेवी रे कहू ता 100% इफेक्टिव वन फॉर वन के पॉसिबल ना। ये आयरन डोम कॉन्सेप्ट हूँ गोटे सी गोटे छता पी गोटे इफेक्टिवनेस आणव आई छता भितर जेकोसी जिनस पशा को जीव से डिस्ट्रॉय कर तार टेक्निकल जिनस तो ये कहीकि मैंने ठीक हम ना कि तार कनसेप्ट जमीका आमर पाखे भी अच्छी कि मैंने S-400 जोटा कि पॉइंट सिस्टम से 100% परफेक्ट कौटा नुहे कितु जपरी मु कहली जितेबले इज्राएल जाणीजी जे से मैंने लंच करार सिस्टम अच्छी बहुत इजिली तर ग्राउंड कोवर्ट ओवर्ट सिस्टम अच्छी से जाणीजे जमी जाणीजे अलरेडी फर्स्ट लाइन अफ अटाक रेडी अच्छी इमिडिएटली इज्राएल अटाक करके न्यूट्रलाइज कर सब कमाण पोस्ट को किसी डाउट ना आपर जो भयानक हम सेटा देखा पड़ो कारण फर्स्ट लाइन अफ अटाक हूँ इज्राएल मिसाइल लॉन्चेस कि एयरक्राफ्ट लॉन्चेस निश्चय से मैंने करेंगे आईटा हाँपर कौन पिस्थित आमको देखा पड़ो ईरान भी जाणी लेबानन भी जाणी से एस्कालेट करेंगे निजे ध्वंस होगा बस गोटे कथा मन रखि था गोटे ईरान आउ इज्राएल मझीरे रही इराक इराक संपृक्त होगा बाध्य हम कारण इराक उपरे मिसाइल आसिले कोहले देश केबे हेले चुप रहिबनी सेतिपई इराक रो पोजीशन बुझिबा को पड़िबो आ एई किछि मास तळे इराक ईरान भितरे भी मिसाइल फायरिंग हेतला तापरे से माने मिसी जाइथिले अंडरस्टैंडिंग रहिथला सेइटा को देखिया को पड़िबो किए ता विषय रे कथा हो नांती सेइटा गोटे आ तापरे देखंतु मिडल ईस्ट रे मिडल ईस्ट रो ई जो परिस्थिति उपरे चाइना कि रशिया रु किसी डेफिनेटिव स्टेटमेंट आसी ना आदि युद्ध एस्कालेट है से माने भी बाध्य हे कि ना कि स्टेटमेंट दबाक आपृक्त हाँपर चांसेस भी अच्छी किंतु के दूर संपृक्त हे से भी डाउटफुल अमेरिका सब जगह चाइना रूस जो ईरान को सपोर्ट करेटमेंट दबे कहीं विलंब कर एमाने सपोर्ट करुचंती ओवरटली ना माने उपरे ना भितरे कहीं ना जे अमेरिका संगेरे G7 अच्छी नाटो कंट्रीज अच्छी से माने होचंती चाइना आउ रशिया रा विपक्ष रे सेथिपई माने कोवर्टली माने लुचिकिरी कि न देखा जाइकिरी से माने सपोर्ट करुचंती किंतु से माने एपर्यंत किछि ओपन स्टेटमेंट देना कारण तांको भीतर युद्ध चली आईपरे भी देवे ना से समस्ते कहते युद्ध न हो UNO भी अपील कर जापान भी अपील कर भारत भी इनडायरेक्टली कही समस्ते सिटीजन मान को नहीं जाते समस्ते जगी केतेबेले इज्राएल तार प्रीएम्प्टिव अटैक करी नियति भाबरे न्यूट्रलाइज तो पाणी जेंति कि आपण आलोचना करछन्ति वर्तमान समय स्थिति जा रहौछि केत बळे मध्य युद्ध होई पारे ई आशंका को एडाई दिया जाने पारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर आलोचना पई।